हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो सबसे पहले मैं इसकी इंट्रोडक्शन दे दूं कि फ्लूइड मैकेनिक्स है क्या। फ्लूइड मैकेनिक्स ये जबरदस्त टॉपिक होने वाला है, ये जबरदस्त सब्जेक्ट है और मजा आएगा आपको इसको समझने में। और जितना मुश्किल दिखता है उतना मुश्किल है नहीं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जो मेन स्टार्टिंग में बातें हैं वो क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्लूइड होता क्या है। फ्लूइड होता क्या है? अब कोई भी सब्सटेंस हमारे पास है वो तीन स्टेट में होता है। हमारे पास होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीन स्टेट में होता है। अब तीन स्टेट में मोस्टली हम जो स्टडी करते हैं स्टार्टिंग में, हमें लगता है कि फ्लूइड जो होता है वो सिर्फ इसको कहते हैं लिक्विड को। हम जो इसको कहते हैं लिक्विड को, तो आपको मेरे भाई बता दूं ये नहीं है, सिर्फ लिक्विड नहीं है, गैस भी इसके रेंज में आता है। हम लिक्विड या गैस दोनों को फ्लूइड कह सकते हैं, फ्लूइड बोल सकते हैं। सॉलिड इस केस में नहीं आता है हमारे पास। अब सॉलिड में देखिए, सॉलिड हमारे पास एक फॉर्म है, फिक्स उसकी शेप होगी। उसकी शेप को चेंज करना है आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये एक मेन जो बात फ्लूइड की हमेशा याद रखने वाली, देखिए सॉलिड जो होता है हमारे पास, जब भी हम फोर्स लगाएंगे तो ये रेजिस्ट करेगा। रेजिस्ट करने का मतलब रोकेगा, मतलब अपने फोर्स लगाएगा कि मैं शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट करूं। आप फोर्स लगाओगे, देखो यहां पे शियर स्ट्रेस लगा ली मान लो इस तरह से, तो ये रेजिस्ट करेगा। लेकिन जो फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड वो रेजिस्ट नहीं कर पाते। आप पानी है चाहे हवा है, अब आपको कभी लगे कि मैंने हवा को धक्का मारा लेकिन हवा ने आगे से कहा नहीं नहीं मैं शियर स्ट्रेस नहीं लूंगी, या पानी है ठीक है, तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाते, वो अपनी साथ ही साथ शेप जो है वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से जो होता है इसकी डेफिनेशन बनती है। तो फ्लूइड वो है जो डोंट रेजिस्ट, जो रेजिस्ट ना करे शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट ना करे, उसको हम क्या कहेंगे, फ्लूइड। और सिंपल सी डेफिनेशन जो आम ही चलती है, फ्लूइड उस सब्सटेंस को कहते हैं जो फ्लो कर सके। सिंपल सी बात, जो फ्लो कर सके, बह सके, उसको हम क्या करेंगे, फ्लूइड कहेंगे। अब फ्लूइड में देखिए क्या क्या है, जैसे हम मैं बात करूं एयर है, एयर में कितनी तरह की गैसेस हैं, वो सारी क्या है, हम उसे फ्लूइड बोल सकते हैं। वाटर है, उसको भी हम क्या कह सकते हैं, फ्लूइड कह सकते हैं। ऑयल जितने भी तरह के हैं वो सारे किस में आएंगे, फ्लूइड में। अब फ्लूइड का फायदा उठाना शुरू करेंगे, ठीक है। फिर से वही बात है, इंसान है, अब इंसान ने किसी को छोड़ना तो है नहीं, उसकी देखना है कि फ्लूइड में क्या क्या खासियतें हैं। फ्लूइड की खासियतें देखी और उसको यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। धीरे धीरे ये चीजें साइंस ने आगे आगे यूज करनी शुरू की है। तो हमारे इस सारे लेक्चर्स में हम फ्लूइड मैकेनिक्स कोशिश करेंगे सारे। तो एक और वर्ड है हमारे पास इसमें जो हमने समझना है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक्स। अब जो हाइड्रोलिक्स वर्ड बना है वो ग्रीक से लिया हुआ लेटर है, ग्रीक। और ये वर्ड क्या है, ह्यूडोर, ये वर्ड है। और ह्यूडोर का मतलब क्या है ग्रीक में, ग्रीक में ये मतलब है इसको पानी कहते हैं, बस वाटर। तो हाइड्रोलिक्स हमेशा वाटर से रिलेटेड चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हाइड्रोलिक्स वर्ड कहां से आए, ग्रीक से। हुडोर जो वर्ड है उसका मतलब है वाटर, तो हाइड्रोलिक्स आ जाएगा। तो हमारे पास ये सारी चीजें हम हाइड्रोलिक्स में पढ़ेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। ये सारी सीरीज आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में, सारी मैं फ्लूइड मैकेनिक्स में ये बातें डालता जाऊंगा, एक एक टॉपिक कवर कराऊंगा। और आपको भी कई कोई चीज समझ नहीं है तो आप मेरे से अलग से समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।